नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आगरा में तैनात महिला इंस्पेक्टर मुजफ्फरनगर अपने सरकारी आवास में रंगरलिया मना रही थी और इस बात की भनक प्रेमी के घर वालों को लग गई। उसकी पत्नी, बच्चे और घर के लोगों के साथ वहां पर पहुंच गए। दोनों को ऐसी हालत में देखकर उसकी जो पत्नी है वो आग बबूला हो गई। फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। बंद कमरा, अंदर अंधी हवस, जमाने को लग गई भनक। मुजफ्फरनगर का थानेदार आगरा की थानेदारनी, अवैध संबंध की अनसुनी कहानी। मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, ये गाना तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद गाने का मतलब बदल जाएगा। पहले इस वीडियो को देखिए। धक्का मुक्की, मारपीट और कैमरे में रिकॉर्ड होती तस्वीर को देखकर आप कहेंगे कि इस वीडियो का गाने से क्या लेना देना। तो अब आप जान लीजिए, वीडियो में पिटते हुए दिखाई दे रहे शख्स थानेदार हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, लेकिन बालम का थानेदार धोखेबाज है। दूसरी तरफ एक महिला भी पिटती हुई नजर आ रही है, वो भी महिला थानेदार है और दोनों को पीटने वाले थानेदार की पत्नी और रिश्तेदार हैं। अब आप तस्वीरों को करीब करीब समझ गए होंगे, नहीं समझे तो हम आपको पूरी कहानी समझा देते हैं। दरअसल मारपीट का ये वीडियो आगरा का है। इंस्पेक्टर पवन चौधरी एक महिला इंस्पेक्टर के साथ रंगरलियां मना रहे थे। पुलिस महकमे को इसकी जानकारी थी। पुलिस कर्मियों ने थानेदार की पत्नी और परिवार को फोन कर इसकी जानकारी दी। फिर क्या, पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पत्नी अपने बेटे और भाई के साथ मौके पर पहुंच गई। कमरे का गेट खुलवाने की कोशिश की, गेट नहीं खुलने पर कमरे का गेट तोड़ा तो महिला इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए। इंस्पेक्टर की पत्नी और रिश्तेदारों ने महिला इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान महिला इंस्पेक्टर और उसका बॉयफ्रेंड खुद को बचाने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए, लेकिन लोगों ने प्रेमी के कपड़े फाड़ दिए और कई थप्पड़ मारे। महिला थाने में तो ये इस औरत की औरत जो है शैली राणा, इनकी इंस्पेक्टर थी। ये रोज उसके पास रहते थे दोनों की आपस में। मुझे नहीं पता क्या बात हुई, इन्होंने घराना कम कर दिया। फिर एक दिन मुझसे कहते हैं कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं उसके साथ ही रहूंगा, उससे शादी करूंगा। मैंने इन्हें बहुत समझाया पर नहीं माने। ये घर में आके मेरे साथ मार पिटाई भी करते, मुझ पर गुस्सा करते थे, मुझे गालियां देते थे। मैं इलाहाबाद गया हूँ, मेरे को अपनी पोस्टिंग कैंसिल करानी है। इलाहाबाद गया हूँ, बेटे को मैसेज किया, उसे फोन नहीं किया। जब भी इसके पास आते हैं मुझे फोन नहीं करते, मेरे बेटे को फोन नहीं करते, अपना एक नंबर बंद रखते हैं। हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर रकाबगंज, ये परिसर है जो यहाँ पर तमाम पुलिस वाले यहाँ पर रहते हैं। ये आवास आप दिखाई दे रहे हैं, ये महिलाओं की पुलिस कॉन्स्टेबल की आवास है। जिस तरह से आप दिखाई दे रहे हैं, ये आवास है जिसमें कल महिला जो इंस्पेक्टर थी शैली राणा का, ये आवास तो आप दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इसी आवास में कल इस तरह से झगड़ा हुआ था और यहाँ पर एक दरोगा और महिला कांस्टेबल का पूरी तरह से विवाद सामने देखा गया। आप लगातार जो देखेंगे, ये इंस्पेक्टर शैली राणा इसमें रहती थी, इसी को यहाँ पर पहले उनके परिजनों ने इस दरवाजे को खुला, उसके साथ उनमें पवन दरोगा और महिला इंस्पेक्टर जो शैली राणा इसी के अंदर थी,
इसके बाद उन लोगों में हाथापाई हुई और काफी देर तक इस पूरे मामले को लेकर विवाद हुआ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एसीपी सदर और डीसीपी सिटी वहां पर मौके पर पहुंचे, उसके बाद उन महिला इंस्पेक्टर शैली राणा को सस्पेंड किया है और तमाम कई कुछ पुलिस कर्मियों को भी गाज गिरी है और निश्चित तौर से उन तीन लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? पुरुष इंस्पेक्टर और महिला इंस्पेक्टर प्रेम प्रसंग का मामला। आगरा थाना आवास परिसर में महिला इंस्पेक्टर से मारपीट। पुरुष इंस्पेक्टर के घर वालों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। घर वालों ने पुरुष और महिला इंस्पेक्टर के साथ की मारपीट। घर वालों ने पुरुष इंस्पेक्टर को मारे कई थप्पड़, फाड़े कपड़े। मामले में सीपी आगरा ने महिला इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। मारपीट के मामले में कई पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। देखिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं पूरे भारतवर्ष की पुलिस के लिए कहना है, कुछ घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें जो सख्त रवैया योगी जी ने अपनाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और डीजीपी साहब खुद उसको सर्वलांस कर रहे हैं, दैट्स अ गुड जेस्चर। लेकिन पुलिसिंग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है क्योंकि ऐसी घटनाएं, ऐसे वाकयात होने ही नहीं चाहिए और होने के बाद अगर कार्रवाई होती है तो ये एक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है कि आदमी किस पर भरोसा करे। जैसे एक घटना मैं आपको आपके शहर की बता रहा हूं कि जहां थोड़ी देर बारिश हुई और बारिश के बाद लोगों ने छेड़खानियां शुरू कर दी। आप रोड पर निकले, आपको पुलिस, ट्रैफिक पुलिस या कोई भी आदमी मिलता है, वो मोबाइल पर ज्यादा व्यस्त लगता है। पुलिस पिकेट्स जो होती हैं जिनको चौकी पे बने रहना चाहिए वो चौकी पे नहीं दिखाई देते हैं। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को सड़क पर निकलना पड़ता है। अगर वो सड़क पर आला कमान अधिकारी नहीं निकलेंगे तो जो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, जो भी भारतीय न्याय संहिता ने इतनी पावरफुल चीजें औरतों के लिए और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए या उन पर किए जा रहे अपराधों के लिए रोक लगाने के लिए कानून बनाए गए हैं। थाने के पीछे बने कमरे के पास काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लेकिन पुलिस विवाद को सुलझाने के बजाय तमाशा देखती रही। इधर पुलिस के बड़े अधिकारियों को जानकारी मिली, जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गए, मारपीट करने वालों को हिरासत में लिया, साथ ही महिला इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी। इन पर गिरी गाज, एसआई सुनील लांबा लाइन हाजिर, एसआई देवेंद्र लाइन हाजिर, हेड कांस्टेबल महिला थाना रेखा लाइन हाजिर, कांस्टेबल अंकित लाइन हाजिर, कांस्टेबल गिरीश लाइन हाजिर, कांस्टेबल राजेंद्र लाइन हाजिर, हेड कांस्टेबल हरिकेश किए गए सस्पेंड, हेड कांस्टेबल विशाल किए गए सस्पेंड, थाना रकाबगंज प्रभारी शैली राणा सस्पेंड। आगरा जनपद की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर कल से खूब वायरल हो रही है, जिसमें इंस्पेक्टर पवन चौधरी और इंस्पेक्टर शैली राणा को पवन चौधरी की पत्नी और उनके परिजन पीटते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर पवन चौधरी बताए जा रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में आईजीआरएस प्रभारी भी रहे हैं और मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस पूरे मामले में खंडन करते हुए बताया है कि विजिलेंस में तबादला होने के चलते 11 जुलाई को उन्हें मुजफ्फरनगर से रिलीव कर दिया गया है और पूरे मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना है कि अग्रिम कार्रवाई अगर कोई बनती है तो वो भी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा की जाएगी। इस घटना से पुलिस महकमे को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसे खूब शेयर भी किया जा रहा है। हालांकि इस बीच महिला थानेदार की रील भी खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। दो थानेदारों की प्रेम कहानी, नोएडा में तैनाती के दौरान हुई थी जान पहचान, इसके बाद दोनों के बीच अफेयर चलने लगा। कुछ दिनों बाद दोनों की अलग अलग जिलों में तैनाती हो गई। इंस्पेक्टर अक्सर छुट्टी लेकर महिला इंस्पेक्टर से मिलने जाने लगा। धीरे धीरे ये बात इंस्पेक्टर के घर वालों को भी पता चल गई। इंस्पेक्टर पहले से शादीशुदा है और मुजफ्फरनगर में तैनात था। पिछले महीने मुजफ्फरनगर से विजिलेंस में रिलीव किया गया। राणा और पवन कुमार की कहानी नोएडा से शुरू हुई लेकिन दोनों की कहानी आगरा पहुंच गई।
हालांकि शैली राणा नोएडा के विभिन्न थानों में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर रही। शैली राणा सेक्टर 63 थाने के महिला हेल्प डेस्क की भी प्रभारी रही। हालांकि जब सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर उनका प्रमोशन हुआ तो उसके बाद नोएडा के महिला थाने की प्रभारी रही, लेकिन उसी दौरान में पवन कुमार वो भी कई थानों में सब इंस्पेक्टर रहे, एसएसआई के पद पर रहे। प्रमोशन के बाद उनका ट्रांसफर मुजफ्फरनगर हो गया, वहीं शैली राणा का ट्रांसफर आगरा हो गया। हालांकि ये कहानी और प्यार की जो कहानी है वो नोएडा में ही नहीं रुकी, उसके अलावा दोस्ती धीरे धीरे बढ़कर वो आगरा तक पहुंच गई। लगातार पवन कुमार नोएडा से लेकर आगरा जाते रहे, मुजफ्फरनगर से आगरा जाते रहे और कहीं ना कहीं वो जो संबंध थे वो बढ़ते चले गए। हालांकि बीते दिन जो मीडिया सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई, वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा गया कि अभेद संबंध तक जुड़ गए, जिसके बाद पवन कुमार की वाइफ और उसके बच्चों ने मौके पर उन्हें पकड़कर उनके घर वालों ने जमकर पिटाई की। हालांकि शैली राणा को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि शैली राणा आगरा के थाने में चार्ज पर थी और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब जो देखा जा रहा है कि पवन कुमार जो इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ भी गाज गिर सकती है। पत्नी को धोखा देकर महिला इंस्पेक्टर के साथ इश्क फरमाने इंस्पेक्टर आगरा पहुंच गए। महिला क्वार्टर में महिला इंस्पेक्टर के कमरे में रंगरलियां मनाते जब परिवार वालों ने पकड़ा तो इंस्पेक्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो सामने आने के बाद यूपी पुलिस की छवि दागदार हुई है, या ये कह लीजिए कि दो वर्दी वालों ने छी छी करा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। यूपी पुलिस जो है वो अक्सर सवालों के घेरे में रहती है, वजह खाकी के कारनामे। कहने के लिए तो यूपी पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, लेकिन काम मित्र वाले नजर नहीं आते। कई अपराधों में तो पुलिस खुद शामिल होती है तो कई अपराधों में गुनाहगारों का बचाव करती हुई नजर आती है। देखिए इस रिपोर्ट में। दो थानेदारों के प्रेम का बंधन, सरकारी आवास में अवैध संबंध, बीबी की नजर इंस्पेक्टर बेखबर। यूपी पुलिस अक्सर अपने करतूतों को लेकर चर्चा में रहती है। करतूत ऐसे ही कि सुनकर हैरान हो जाए। पुलिस कर्मियों के करतूत से खाकी बार बार दागदार हो रही है। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा की नारे लगाने वाली पुलिस से लोग शायद इसलिए भी घिन करते हैं क्योंकि पुलिस की घिनौनी हरकतें अक्सर उजागर होती है। अयोध्या में जहां गैंगरेप के आरोपी को पुलिस बचाती हुई नजर आई, वहीं आगरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें दो वर्दी वालों ने पुलिस महकमे की छीछी करा दी। तस्वीरों में पिटती दिखाई दे रहे दो थानेदार सरकारी आवास में अय्याशी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिए गए। फिर क्या, पत्नी और बच्चों के साथ धोखा करने की सजा मिली। दो थानेदारों को पीटने का वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस महकमे पर कई सवाल खड़े हो गए। न्यूज वन इंडिया के सवाल, पुलिस ही कैरेक्टरलेस तो समाज को क्या देगी संदेश? करतूतों से कब तक पुलिस महकमा शर्मसार होता रहेगा? खुद रंगरेलियां मनाएंगे तो समाज को क्या राह दिखाएंगे? इंस्पेक्टर इश्क लड़ाएंगे, कैसे बेहतर कानून व्यवस्था बनाएंगे? दागदार पुलिस कैसे जीतेगी जनता का भरोसा? पत्नी से चीटिंग, बंद कमरे इंस्पेक्टर की सीक्रेट मीटिंग का जब भंडाफोड़ हुआ तो हर किसी की जुबान से रंगरेलियों की कहानी सुनाई दी। सवाल उठने लगा कि थानेदार नहीं निकला पत्नी का वफादार तो जनता का कैसे हो सकता है मददगार? ये हमारे सामाजिक चिंतन का विषय है। इस घटना को देखते हुए सर्वप्रथम तो मैं ये बताता हूँ कि जो व्यक्ति, जिन लोगों ने वहाँ घर पर पहुँच करके बदतमीजी की, उन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, तो चाहे वो इंस्पेक्टर हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो सामाजिक परिवेश में अकेला भी निवास कर रहा है या उसके साथ कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसकी अगर कहीं किसी प्रकार की गतिविधियाँ अगर गलत है तो उसकी सूचना संबंधित थाना अधिकारी को नहीं दे रहे तो उसके उच्च अधिकारी को देते हुए कार्रवाई करवानी चाहिए थी। अपने हाथ में न्याय लेना ये हमारे सामाजिक पतन का सबसे बड़ा कारण उदाहरण बन रहा है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है वो वाकई में एक बड़े शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, उसके लिए उन्हें दंड मिलना चाहिए जो आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो सामाजिक परिवेश है
उस प्रदेश में अगर न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाने वाले और रखने वाले ही अगर पिटने लगेंगे तो वैसे ही पुलिस पर ज्यादा विश्वास लोगों का नहीं है तो और ज्यादा। खाकी को दागदार करने का ही कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में अयोध्या में हुए गैंगरेप का जब खुलासा हुआ तो पुलिस गैंगरेप के आरोपी की मददगार निकली। पुलिस पर आरोप, गैंगरेप पीड़िता की शिकायत नहीं दर्ज की। परिजनों पर समझौते का दबाव बनाया। मोहित खान को बचाने की कोशिश हुई। 2 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित परिजनों को डराया धमकाया गया। किसी भी पुलिसकर्मी ने पीड़ित परिजनों की गुहार नहीं सुनी, यानी हर तरह से गुनहगार को बचाने की कोशिश की गई। साफ शब्दों में कहें तो खाकी गैंगरेप के आरोपी के साथ खड़ी रही। हालांकि जब इसका खुलासा हुआ तो योगी सरकार एक्शन में आई। SHO और चौकी इंचार्ज सस्पेंड करने के बाद अब भद्रसा पुलिस चौकी में तैनात सिपाही रोहित यादव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में अब एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि पुलिस किसके लिए होती है, क्योंकि कई घटनाओं में पुलिस अपराधी बनकर उभरी तो कई घटनाओं में पुलिस अपराधियों की पक्षधर निकली। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस महकमा कब तक शर्मसार होता रहेगा। पुलिस अगर अपराधियों को बचाएगी तो फिर अपराध पर अंकुश कैसे लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।